तो मूवी स्टार्ट होती है और हम ली जोक नाम के एक 70 साल के सफल कवि को देखते हैं, जिसकी लाइफ में किताबों के अलावा और कुछ नहीं होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नेशनल पोएट होने की वजह से वो बहुत फेमस भी था। उसका ख्याल रखने के लिए उसने एक लड़का जो कि उसका असिस्टेंट था, वो जीहू नाम का, लेकिन हाल ही में उसकी भी एक बुक पब्लिश हुई थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। एक दिन जब ली घर वापस आता है तो वो ली वहाँ पे उनियो नाम की लड़की को सोता हुआ देखता है। उसे उठाने पर वो पता चलता है कि वो हाई स्कूल में पढ़ती है। उनियो के जाने के बाद जीहो ली को बताता है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसे काम की ज़रूरत है। वह चाहे तो उसे यहाँ पर रख सकता है काम पर, क्योंकि जल्द ही जीहू अपनी दूसरी किताब लिखने वाला था और वो उसमें बिजी रहेगा तो काम कौन करेगा। तो ली उसको काम पर रख लेता है। अब वो काम पर आने लगती है। पहले वो एक ही दिन हफ्ते में केवल आती थी, फिर वो 2 दिन हफ्ते में आने लगती है। अब यूनियो और ली के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। जब ली यूनियो के साथ होता है तो वो एक अजीब सा फील करता है, वो उसे देख के जवान फील करता है। वहीं एक दिन बारिश में भीगी यूनियो जब उसके घर आती है तो पूछने पर वो बताती है कि मेरी माँ से मेरी लड़ाई हो गई है और आज वो यहीं पर रुकना चाहेगी। ली उसे घर पर सोने के लिए हाँ कर देता है, पर अगली सुबह जब ली की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उनियो उसी के साथ उसी के बेड पे सो रही है। पहले तो वो उसे देखने लगता है, पर फिर वो जल्दी से बाहर निकलता है ताकि जीहू उसे ना देख ले। ऐसे में जब जीहू वहाँ आता है तो वो उनियो को देखता है जो कि उसी के बेडरूम से निकल रही होती है ली के, तो उसे लगता है कि काम कल रात को हो गया है। ली अब वो चीज़ें भी खाने लगता है जो उसे नहीं पसंद थी। अब वो उनियो पर एक बुक भी लिखने लगता है जो कि एक लव स्टोरी थी। फिर एक दिन उनियो काम के लिए थैंक्स बोलने के लिए उसकी बॉडी पे, ली की बॉडी पे ठीक वैसा ही टैटू बनवाने के लिए कहती है जैसा उसकी बॉडी पे था। यह सुनकर पहले तो ली को ठीक नहीं लगता, उसे अजीब लगता है, पर फिर वो उसके खातिर टैटू वो बनवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जीहू ली से उसे दूर रहने के लिए कहता है, पर यहाँ पे उनियो बताती है कि उसका रिलेशन ली के साथ थोड़ा सा अलग है। वो मुझसे सारी चीज़ें शेयर करता है। और एक दिन उनियो लाइब्रेरी में रखे एक बॉक्स को दूसरी जगह खिसका रही होती है। यहाँ जीहू उसे मना करता है क्योंकि ली को ऐसा सब करना नहीं पसंद था। फिर उससे वो बॉक्स गिर जाता है और उनियो वहाँ से डर के भाग जाती है। वहाँ जीहू को ली की एक बुक मिलती है जो कि उसने उनियो के ऊपर लिखी थी। वो उसको पढ़कर शॉक हो जाता है और यहाँ पे ली उनियो के साथ बहुत खुश था। पर फिर कुछ दिन बाद कुछ अजीब होता है। ली से मिलने एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि जीहू ने अपनी एक लिखी हुई बुक लॉन्च की है, इसका नाम उनियो है, जो लोगों में काफ़ी फेमस हो रही है। यह सुनकर वो दौड़ा दौड़ा बुक स्टॉल जाता है और वो बुक पढ़ता है। ली जब वो बुक स्टॉल में पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लिखा था वो हर एक वर्ड उसका ही था जहाँ जीहो ने उसकी बुक चुरा के अपने नाम से पब्लिश कर दी थी। वो उसे कहता है कि तुम कभी राइटर नहीं बन सकते ली, क्योंकि उसकी पुरानी वाली बुक भी उसी ने लिखी थी। और जीहो यहाँ कहता है कि इतनी अच्छी लव स्टोरी होने के बाद भी तुम इसे पब्लिश नहीं करते। इससे ली और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लड़ने लगते हैं। जीहू से यहाँ पे उनियो पूछती है कि क्या ये किताब तुमने लिखी है। तो जीहू यहाँ पे कहता है कि मैंने उससे कुछ वर्ड लिखे हैं और कुछ मैंने ली से पूछा है। उनियो भी यहाँ पे उसके ऊपर यकीन करने लगती है कि हाँ उसी ने लिखी है। वहीं एक दिन ली का बर्थडे होता है और वो लोग आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वाइन पी के फिर वहीं पे सो जाते हैं। रात में ली को कुछ फट फट की आवाज़ें आती हैं, तो जब वो जाके बाहर से देखता है तो वहाँ उनियो और जीहू इंटीमेट हो रहे होते हैं। यह देखने पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और खुद की गाड़ी का स्टेयरिंग ढीला कर देता है। सुबह जब जीहू उसकी कार को पंचर देखता है तो वो ली की कार को लेके चला जाता है जिसका स्टेयरिंग ढीला होता है और उसका वहाँ पे एक्सीडेंट होते होते हुए बचता है। जब वो मैकेनिक के पास जाता है, वो उसे दिखाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के उसके जान लेने के लिए उसका स्टेयरिंग ढीला किया था। और फिर वो ली के पास गुस्से में जाने लगता है, तभी उसका एक्सीडेंट दोबारा हो जाता है और इस बार वो मर जाता है। उसके बाद ली उसको वॉइस मैसेज करके कहता है उनियो को
कि मैंने जीहो को मार दिया है। फिर वो उससे दूर रहने लगती है ली से और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। कुछ समय बाद जब वो बड़ी और मैच्योर हो जाती है तो वो एक ऐसे ही बुक स्टॉल पे चली जाती है और वहाँ उसे वही बुक मिलती है उनियो नाम की, जहाँ बीच में वो उसे पढ़ती है तो उसे कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि उसकी और ली की फीलिंग थी, और वो बातें और वो फीलिंग केवल उसके और ली के अलावा कोई नहीं जानता था। तब उनियो को समझ आ जाता है कि यह बुक ली ने ही उसके लिए लिखी थी। फिर वो ली के घर जाती है, जहाँ जाके वो देखती है तो ली सो रहा होता है और चारों तरफ दारू की बोतलें डली होती हैं। वो उसे जाके कहती है कि उसे लगता था कि वो बुक जीहू ने लिखी है, पर नहीं, उसका हर एक वर्ड तुम्हारा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी फीलिंग है जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। वो उसे कहती है कि वो हमेशा से उसकी थी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकता भी नहीं है और उसे गुड बाय बोलता है। तो वो देखता है कि ऐसा नहीं है और उसके आगे अब यहाँ पे कुछ ठीक भी नहीं हो सकता था, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे हूँ मैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना अगर आप चलाते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।